टाइटल देखते ही मुझे यकीन है कि आपके मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि है इमली और पुदीने की चटनी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा बर्तन, और इसमें डालूँगी तेल, और इसे अच्छे से गर्म करके इसमें डालूँगी हरी मिर्च, और मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये हरी मिर्च मैं दो चटनियों के लिए पीस रही थी, एक तो है अंबाड़े की भाजी के लिए और एक पुदीने की चटनी के लिए। अगर आपने मेरे अंबाड़े की भाजी की चटनी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसे अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं ग्राइंडर जार में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूंगी, और फिर इसमें डालूंगी लहसुन। इन सब की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। फिर इसमें डालूंगी हरा धनिया और थोड़ा सा नमक। इन सबको डालकर एक दरदरा सा पेस्ट बना लूंगी। इसे ग्राइंड करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिए यहाँ पर एक दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश पुदीना, और इसे भी इन सब के साथ ग्राइंड कर लूँगी। इसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुदीना का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर पुदीने को थोड़ा थोड़ा डालकर ग्राइंड कर लूँगी। इस चटनी को बनाने से पहले आप इमली को भिगो दीजिएगा, इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, इसमें जो बीज होते हैं उसे निकाल लीजिए और इसे भिगो कर रख दीजिए एक रात पहले। इस रेसिपी में हमें इमली का पल्प नहीं यूज़ करना है, बल्कि पूरी की पूरी इमली इसमें शामिल करके इसे ग्राइंड कर लेना है। इसे बहुत बारीक पीसना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है इसका, देखिए इस तरह से। अब मैं इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लूँगी, क्योंकि ये जार फुल हो चुका है, इसलिए मैं इसे निकाल कर उसी में इमली डालकर इसे ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है हमें इस तरह से। इसका पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसको शामिल कर लेंगे एक बाउल में। तो चलिए इमली के इस पेस्ट को इस बाउल में डाल दूँगी मैं। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं हरी मिर्च और पुदीने का ये पेस्ट, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी नमक के साथ। इसमें हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ये खटास को बैलेंस करेगा, और थोड़ा सा नमक भी चेक करके डालिएगा। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे रख दूँगी मैं एक साइड में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, इसे अच्छे से गर्म करके इसमें डालूँगी मैं तेल। यहाँ मैं हाफ कप ऑयल ले रही हूँ, और इसे अच्छे से गर्म होने के लिए रख दूँगी। जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें डालूँगी ज़ीरा, और इसमें डालूँगी लहसुन, और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ये लाल हो जाएगा तब इसमें डालूँगी ये सूखी लाल मिर्च, फिर इसमें डालूँगी ये पुदीने और हरी मिर्च का पेस्ट। इस चटनी को हमें तेल में अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब तक ये तेल इसमें जज्ब ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए। तो इसे मिक्स करने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट का वक्त लग जाएगा आपको। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो थोड़ा भी तेल नहीं दिखेगा ऊपर। तो लीजिए बनकर तैयार है पुदीना और इमली की ये चटनी, बहुत ज़बरदस्त चटनी बनकर तैयार होती है ये। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये एक साइड डिश है। इसे आप टमाटर की चटनी या कोई भी बघारा सालन के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर चलती हूँ, हाज़िर होंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।